नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, अब हम आगे देखें सपनों के से दिन। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिली करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोगों थे, मतलब कि अमीर थे। उनका लड़का मुझसे एक दो साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी एक साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब एक दो रुपये में जाया करती थी तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी में छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियों पेंसिल होल्डर या स्याही दावत में भी कुछ 1 से 2 रुपये हो जाते थे साल भर, इतना ही खर्च होता था। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम थी। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता था, सेर मतलब कि 500 ग्राम 1 रुपये में, तो 2 रुपये में पूरा 1 किलो घी मिल जाता था। 2 रुपये में 1 मन 40 सेर, मन यानी कि 20 किलो, 40 सेर यानी कि 20 किलो, सेर का 500 ग्राम होता है। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि हम पुरानी पुस्तकें मतलब कि लास्ट ईयर जो पढ़ के गया है उनकी पुरानी पुस्तकें लेके पढ़ा करते थे। उनके हेड मास्टर जी यानी कि प्रिंसिपल थे, वो एक लड़के को उनके घर जाया कर पढ़ा करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। मेरे एक लड़का था, उनके घर प्रिंसिपल सर जाते थे पढ़ाने के लिए क्योंकि वो अमीर था। तो ये लड़का था 1 साल बड़ा होने के कारण मेरे से 1 श्रेणी आगे रहा, मतलब 1 स्टैंडर्ड आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते थे, यानी कि पुरानी पुस्तकें लाते थे। और मेरे घर में तो किसी को मेरे पढ़ाई में दिलचस्पी है नहीं थी, तो नई किताबें लानी पड़ती तो भी कितना रुपये होता था, 1-2 रुपये में आ जाती थी। पर शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में छूट जाती, यानी कि तीसरी चौथी कक्षा तक पढ़ते, बाद में बच्चे नहीं पढ़ते थे पहले। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो कोई एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कोई 7 साल तक पढ़ा करते थे। ये सारे जो पढ़ने के लिए सामान था, कापी पेंसिल होल्डर सब था, वो पूरे साल का 1-2 रुपये में आ जाता था, ये लेखक बता रहे थे। और ये पुराने ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम थी इस ज़माने में, तो ये बता रहे हैं लेखक कि 1 रुपये की भी कितनी कीमत थी। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे, मतलब कि वर्णन, जिक्र करना यानी कि वर्णन करना। अजीब बात थी कि मुझे नई कापियाँ पुरानी पुस्तक में से एक गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर रह गया था, बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते थे कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरे न हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। यहाँ ये चैप्टर में लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि जो पर 2-3 साल ही जो कि अधिक श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे, पर क्या अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते, मतलब कि पुराने साल तो ऐसे थे, अब आगे के स्टैंडर्ड में आ गए तो टीचर की क्या अपेक्षा थी कि इतने स्टैंडर्ड में आगे आ गए तो भी इतना नहीं आता, तो सभी की अपेक्षा आशा ये रहती थी।
कि उनकी आशा पूरी ना हो पाती तो कुछ जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते, मतलब कि उनकी टीचर जो चाहते हैं कि इतने तो रेडी होना ही चाहिए, तो ये ना करते तो क्या चमड़ी उधेड़ देना, मतलब बहुत मारपीट करते थे टीचर। इन्हीं कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर से, ये डर की वजह से लेखक क्या बता रहे थे कि गेट से नहीं 10-15 गज दूर बाहर स्कूल के बाहर कमरे से कितने दूर जो दोनों तरफ जो झाड़ उगे थे अलियार के, तो वहाँ से भी मन उदास हो जाता था, वहाँ से जाते ही उनकी गंध मन को उदास दिया किया करती थी। परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छे भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते, लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विसल से मार्च किया करते, फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अड़कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। ये बात अच्छी लगती थी लेखक को कि जो स्काउट का जब परेड करवाते थे तब लेखक खुश हो जाते थे, ये सब जो लाइट रेफ्ट करवाते थे तो तब लेखक को क्या महसूस होता था कि कोई हम फौजी जवान हो गए हो, ये बात अच्छी लगती थी लेखक को स्कूल में। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाबा रिसत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वादियाँ पहले और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। क्या गाया करते थे, भर्ती हो जा रे रंग रूट भर्ती हो जा, मतलब कि भर्ती में लेने के लिए गांव में आया करते थे पहले फौजी जवान। और रात को क्या करते थे ये मतलब कि वो नौटंकी दिखाते थे और ये गीत गाया करते थे, वो लेखक को अब भी याद है कि भर्ती हो जा रे रंग रूट भर्ती हो जा रे उठे मिले से टूटे फिथर लिटर उठे मिलेंदे बुट भर्ती हो जा रे रंग रूट उठे पटने से फटे पुराने उठे मिलेंगे सूट, मतलब कि यहाँ पुराने कपड़े मिलेंगे वहाँ सूट पहनने को मिलेगा। लेखक ने अपनी कहानी में आत्मकथा में बताया ही है कि हम फटे कपड़े पहनते थे और वो फटे कपड़े पहनते पहनते खेलते खेलते वो भी ज़्यादा फाट देते थे तो वहाँ सूट मिलेंगे। ये गीत भर्ती हो जा रे रंग रूट ऐसे नौटंकी करते थे, मतलब गीत गाया करते थे, वो लेखक को अब भी याद है, वो अपनी आत्मकथा में बताते हैं। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे, आकर्षित करने के लिए वो आते थे, इसलिए कुछ नौजवान भर्ती में जाया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की दूली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहनने जब हम स्काउट की परेड करते तो लगता हम फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा था। उनका ठिंगना कद दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी चमड़े के चौड़े पंजों के वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता था। यहाँ पे प्रीतम चंद जी क्या पहनते थे, कैसे लगते थे, वो सब वर्णन किया गया है। तो ये सभी देखते हुए भयभीत करने वाला चेहरा उनका लगता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगती रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगती है ना वैसी। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिर वाले कील ठुके होते, मतलब कील लोहे के यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरिया और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते इतने पटे और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके ठगनों में कहीं मोच तक नहीं आती।
उनको देखकर हम यदि घर वाले से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। यहाँ पे प्रीतम चंद जी के बूट का वर्णन और उनके पूरा शरीर बॉडी का वर्णन किया है कि कैसे लगते थे वो, ऐसे बूट पहनते थे वो। हम सोचते थे, लेखक ऐसे सोचते थे कि ऐसे बूट पहनते तो वो कभी घिर भी नहीं जाते, तो हम कभी बूट की मतलब मांग करते घर पे, लेखक बताते हैं, तो बोलते कि टेढ़े हो जाओगे, गिर जाओगे और सारी कमर चल नहीं पाओगे सारी उम्र। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसे थे टीचर तो सब डरते थे, हमारा डरना स्वाभाविक था। परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे, कारण तो उसका मार पीट था, बहुत मारते थे हम सभी को जो मेरी उम्र के थे। वह दिन भूल पाया जिस दिन हम चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। वो टीचर चौथी श्रेणी में, फिर चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते थे, हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। फारसी लैंग्वेज है वो अंग्रेजी से भी मुश्किल लगती थी लेखक को। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा। एक हफ्ते भी नहीं पढ़ाया और याद करने को दे दिया सर टीचर ने, और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जवानी सुनेंगे। हम सभी घर लौट कर रात देर तक उसी शब्द को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल दो तीन ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी घुर्राए, सभी कान पकड़ो, अब फारसी का एक शब्द रूप याद करने को दिया। वो इतना मतलब हार्ड था कि नहीं बच्चे याद कर पाए। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े। पहले कैसे कान पकड़वा थे, पनिश इतनी सख्त देते थे, अब तो क्या है कि बच्चों को कुछ बोलो या कुछ पनिश करो तो बस अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को। पहले ऐसे पढ़ाते थे, इतना रटवाते थे कि वो अब तक याद है, लॉन्ग टाइम तक याद रहता था। ऐसी मतलब पनिश करते करते टीचर कुछ ना आप गलती करो तो क्लास में ऐसी पनिशमेंट मिलती थी कि आपको वो दिन बहुत अच्छी तरह याद हो जाए और वो जो सिखाए वो लॉन्ग टाइम याद रह जाए। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े। कैसे कान पकड़े, देखो, वह गुस्से से चीखे पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए गिर पड़ते, क्योंकि हाथ पीछे करके फिर कान पकड़ने होते थे। जब तक मेरी और हरबस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी ने अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए, आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की अब बर्बराता को सहन न कर पाए। वह बहुत उत्तेजित हो गई। हाउ यू डूइंग इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ क्लास, स्टॉप इट एट वंस। ये सर ने मतलब जो पनिशमेंट देते देते टीचर को बुलाया तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, अस्पताल गए। फिर वो आके जो देखा वो फोर्थ क्लास का जो था वो इतना सख्त याद रह गया है। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी टीचर को, मतलब ये लेखक को अंग्रेजी आती नहीं थी फोर्थ में, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों को बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या 4थी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद कर दो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, मतलब प्रिंसिपल सर ने ये पीटी टीचर को डांटा कि फोर्थ के क्लास के बच्चे को इतनी सजा देते हो आप, ऐसे पढ़ाते हो, ऐसा डांटा था। तो फिर प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेड मास्टर जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश निकालकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। मतलब राजधानी नाभा मतलब कि उसको
ये कहा है कि ऐसे फोर्थ के बच्चों को आप ऐसी पनिशमेंट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे यहाँ से मंजूरी मेरी मंजूरी लिए बिना आप कुछ काम नहीं करते। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। सॉरी, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रखेंगे। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने आ जाती टीचर की डांट या मार की वजह से। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरे या राम जी की कमरे में फारसी पढ़ाने न आते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते थे कि ये टीचर नहीं आते थे तब तक हम उदास हो जाते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला जोबारा किराए पर ले रखा था, वही आराम से रह रहे थे। कुछ सातवीं आठवीं के विद्यार्थी हमें बताया करते थे कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती पर भी चिंता नहीं, मतलब कि उसको निकाल दिया है तो उनको फिर भी कुछ चिंता नहीं टीचर को। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों को छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। प्रीतम चंद टीचर से थे, वो घर पे क्या करते थे, पिंजरे में दो मतलब पैरट रखे थे, तोते रखे थे, उनको बादाम के छिलके उतारकर खिलाते थे और उसके बाद उससे साथ बातें करते थे। उसके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। पहला ऐसा भी होता था कि टीचर के घर पे बच्चे स्टूडेंट्स काम करने जाते थे। बहुत सालों पहले तो क्या होता था, आश्रम में रहते थे लड़के, हर काम गुरुजी का करते थे। पर इसके बाद जब ये बात कर रहे हैं लेखक, तब भी ऐसा हुआ करता था कि टीचर के घर कुछ ऐसे लड़के थे वो जाया करते थे, टीचर का काम करवाते थे। परंतु हमारे लिए चमत्कार था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चबड़ी तक अधेड़ उधेड़ देता था, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेता है। ये चमत्कार था ये लेखक को कि ये प्रीतम चंद हमें मार मार कर हमारी चबड़ी उधेड़ देता था, वो टीचर अपने तोतों के साथ इतनी मीठी बातें कैसे कर लेता है। ये चमत्कार की बात थी। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आँखों से भय न लगता था? क्या तोतों को नहीं भय लगता? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे कि ये टीचर कैसे है, क्लास में हमें इतना मारते हैं और तोतों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। तो मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो थिगना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बांस सी आँखें थी, चमड़े के जोड़े, पंजे वाले बूट सभी लोगों का ध्यान खींचते थे और उनका सजा देने का जो तरीका था वो परबर था। यहाँ पे क्या वर्णन किया है लेखक ने प्रीतम चंद का, कि वह लेखक को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे, कार्य न करने पर मुर्गा बना देते थे। किस तरह मुर्गा बना देते? जब ये दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो क्रोधित होकर उनको क्या किया, शिक्षा विभाग से डायरेक्टर को शिकायत की और मुअत्तल कर दिया एक बार, यानी कि स्कूल से निकाल दिया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतम चंद भिगोए हुए बादामों का छिलका खिला रहे हैं अपने तोतों को, तो वो इतने सख्त और ऐसे आदमी अपने तोतों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? तो स्कूल की कठोरतापूर्ण व्यवहार से सर्वथा ये अलग था, मतलब भिन्न था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो ये देख कर आश्चर्यजनक लगा लेखक को। तो ये चैप्टर में सपनों कैसे दिन में लेखक गुरुदयाल सिंह ने पूरी आत्मकथा में जो बचपन का जो बच्चों का जो खेल प्रेम था, लेखक का बाल्यकाल कैसा है, ग्रीष्मावकाश में दिन मतलब छुट्टियों के दिन कैसे बिताते थे, वो ननिहाल जाया करते थे, वो अपने आत्मकथा में दर्ज किया है। अवकाश समाप्ति से पहले लेखक को क्या होता था, मतलब कि जो छुट्टियाँ पूरी होने को आती थी तब वो जो होमवर्क दिया हुआ था वो कैसे गिन के रख देते थे कि इतने दिनों में तो हो जाएगा। जैसे जैसे मतलब कि पूरा होने को आया करता है, पूरा होने को आता है अपना जो वैकेशन है वो, तो लेखक को क्या महसूस होता है, डर सा लगता है, एक
लेखक ने अपनी आत्मकथा में विद्यालय कैसी है उसका वातावरण बताया है कि क्या है वो नीली पीली झंडियों हाथ में लगाकर जो स्काउट का खेल करवाते थे वो बहुत अच्छा लगता है लेखक को, इसी बस ऐसा ही मतलब अच्छा लगता है स्कूल का, बाकी को कोई क्लास में पढ़ना या कुछ अच्छा नहीं लगता। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार कैसा है कि जो पुरानी पुस्तकें खरीद कर पढ़ते थे, घर के घर वालों को तो कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, और ये मध्यम परिवार में क्या था, 1 रुपये की बहुत कीमत थी पहले, वो बताया है लेखक ने अपनी आत्मकथा में। लास्ट में बताया कि दूसरे विश्व युद्ध में क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध में रियासत के राजा अंग्रेज ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, तो जिनका कोडाईकनाल यानी कि तमिलनाडु में देहांत हो गया था, तो उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए वहाँ पे लोग आया करते थे कि मतलब नौजवानों को लेने आया करते थे, तो उनके साथ नौटंकी वाले भी आया करती थी, तो फौज में भर्ती कराने के लिए जो गीत गाया करते थे वो भी लेखक को याद है। लास्ट में प्रीतम चंद जी कैसे थे, उनका जो हमारी समझ मतलब लेखक की समझ में ये नहीं आता था कि वो अपने घर में तोतों के साथ इतना व्यवहार, मीठी मीठी बातें करते हैं, और ये स्कूल में ऐसे है तो जो ये अलौकिक है, ये मतलब कि अलग अलग सा दिखता है लेखक को, जो इस लोक का न हो, अलौकिक मतलब कि जो इस लोक का न हो वैसा दिखता था लेखक को। यहाँ पे शब्दार्थ में चैप्टर में जैसे शब्दार्थ आए हैं मैंने पूरे साथ में बता ही दिए हैं, जैसे कि हेडमास्टर प्रधानाचार्य का नाम है प्रीतमचंद जी है, पीटी टीचर का नाम शर्मा जी हेडमास्टर है, चमड़ी उधेड़ना वो मुहावरा भी है, और जो हमारा शब्दार्थ का अर्थ है चमड़ी उधेड़ देते थे प्रीतमचंद सर, जो बार बार हमें चैप्टर में बताया है कि बुरी तरह पिटाई करते थे, और वो डरते थे, फड़फड़ाते थे बच्चे, और फड़फड़ाते तिरंगा ध्वज झंडा दोरंगा जो फड़फड़ाते थे वो याद है लेखक को, स्काउट गाइड वाला जो ये वो अच्छा लगता था लेखक को। आत्मकथा में बहुत अच्छी तरह से अपना जो बचपन है बहुत पूरा सब अच्छी तरह से यहाँ पे वर्णन किया है लेखक ने। तो ये चैप्टर में जो हमारे 3 चैप्टर है संचयन की बुक में, पहला हरिहर काका वाला हमने पूरा कर दिया है, ये 2nd चैप्टर है हमारा सपनों के से दिन, तो ये 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में से हमारे जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो आज आप अच्छी तरह से सुनेंगे यहाँ पे समझेंगे, और फिर ये चैप्टर है ना वो आपकी संचयन की बुक में से अच्छे से ध्यान से 2 बार आप अच्छी तरह से पढ़ जाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो आप ये चैप्टर पढ़ लेना, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे दिए गए हैं बुक में वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक्स स्टूडेंट। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को जिन्हें हम डंडिया करा करते वो समझ लेते थे, अच्छी तरह से समझ लेते थे। हरियाणा से आकर्मण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम